नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आप लोग हमेशा वेट करते हो वैकेंसीज वैकेंसी, तो असिस्टेंट इंजीनियर की एक दोबारा से वैकेंसी आ रही है, जबरदस्त वैकेंसी आई है, वो भी हरियाणा एई में। असिस्टेंट एई की वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर एई की वैकेंसी आई हुई है ये वैकेंसी। ओके गाइस, तो ये वैकेंसीज की बात किया जाए, वैकेंसीज में जो है वो मैं बात करूं, ये वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन आपको शुरू होने वाला फॉर्म फिलिंग वो 3 तारीख से होने वाला, 3/6/2023 तक, और लास्ट डेट आपकी जो होगी 28/6/2023, यानी 28/6/2023 तक होगा। 3 से लेके 28 तक इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। अब बात किया जाए वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसीज की बात किया जाए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ कह सकते हो कि अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात किया जाए ऑलमोस्ट आपकी 45 वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज कितनी है, 45 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल की पोस्ट 25 है, उसके बाद आपके पास बैकवर्ड ए क्लास की पोस्ट है आपकी 4 है, उसके बाद बी का 2 है, उसके बाद शेड्यूल की 9 है। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीडीएफ चाहिए आपको ना, पीडीएफ मेरा टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइए technical_examiner पे, जो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो बाकी अब बात किया जाए, आपके असिस्टेंट इन्वायरमेंटल टू भी हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है फुल टाइम आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री मीन्स यानी आपके बीटेक होना जरूरी है किस किस ब्रांच में, और फर्स्ट डिवीजन, ऐसा नहीं कि आप 59% पाए फॉर्म भर पाओगे, नहीं, क्रॉस कर दे जाएंगे। ठीक है, आपको इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास सिविल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, और आपको हिंदी या संस्कृत में से किसी एक सब्जेक्ट में आपको हायर एजुकेशन में होना जरूरी है, हाई स्कूल में होना जरूरी है। तो ये चीजें हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी आपको मौका मिला है और ये मौका आपको गंवाना नहीं है, बहुत अच्छी है भाई। तो आप फटाफट आप जाइए इस फॉर्म को फिल कीजिए, स्केल पे भी अच्छे है, आपको 53,000 से लेके 1,67,000 तक इसमें सैलरी आपको मिलने वाली है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हो गया और इंटरव्यू होगा आपका। देखिए क्या है, द इवेंट ऑफ द एप्लीकेशन बीइंग द कमीशन विल बी लिस्टिंग, शॉर्टलिस्ट करेगा क्राइटेरिया वाइज, देन आफ्टर विल बी कॉल फॉर द इंटरव्यू। तो नो एग्जाम, डायरेक्टली फॉर इंटरव्यू। तो ये बहुत अच्छा मौका है गाइस, आप लोग जाइए फटाफट इस फॉर्म को फिल कीजिए और अपना सिलेक्शन को सिक्योर कीजिए, बस यही कहना है मेरा, और फटाफट जाइए। और आपको एज लिमिट भी कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं दिख रही है, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि 22 पेज का पीडीएफ है, तो पढ़ना भी आप लोगों को भी जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो फीस की बात किया जाए, फीस में आपके मेल का जो फीस है 1000 है और फीमेल का 250 रुपीज है। तो देख सकते हो भैया, कहते हैं ना मेल और फीमेल इक्वल होते, बट नहीं, फीस का डिफरेंस आ गया। तो ये सारी चीजें हैं और स्पेशल सारी चीजें हैं, फटाफट जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और वैकेंसीज ए में सिलेक्शन लीजिए। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।